ओए मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है। इंजीनियरिंग की हुई है, भूल जाओ, नौकरी नहीं मिलती तुम्हें। बेटा तुम्हें इंजीनियरिंग करनी नहीं चाहिए थी पहले। तुम्हें और नौकरी इतने जल्दी ना, बिजनेस स्टार्ट कर लो, नौकरी तो नहीं मिलती। इंजीनियर से जॉब नहीं मिलती। मास्टर्स कर लो, नौकरी तो नहीं मिलनी इतनी जल्दी। तुम तो इंजीनियर हो, साल दो साल से पहले कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। इंजीनियर्स का तो बहुत बुरा हाल है बेटा, यहाँ कोई स्कोप नहीं है जॉब का। इंजीनियरिंग अच्छी जॉब तो भूल ही जाओ। इंजीनियरिंग और नौकरी साल दो साल तक तो भूल जाओ बेटे। क्या कर रहे हो बेटा आजकल? अंकल इंजीनियरिंग किया है मैंने। कर लिया जी अंकल, शौक पूरा हो गया। भटकते परेशान क्यों फिरते हो, ये तलाशी रोजगार है, थोड़ा सब्र करो, सब मिल जाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और यूनिवर्सिटी ख़त्म होने को आती है, एक सर्टन टेंशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। दैट टेंशन इज टू आइदर गेट एम्प्लॉयड और गेट एडमिशन इन मास्टर। जनरली लोगों के यही दो इरादे होते हैं। अब जाहिरी सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज़ इतने आराम से तो नहीं मिल जाती, थोड़े बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कहानी उन पापड़ बेलने पर ही है। पापड़ बेलने का सफ़र वैसे तो नस्ट में फाइनल ईयर स्टार्ट होते ही शुरू हो गया था, बट जैसे जैसे कंपनीज आती रहीं, वी स्टार्ट अप्लाइंग फॉर देम। बट बिफोर आई गो ऑन इनटू दिस वीडियो, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो कि जर्नली हायरिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले कंपनीज का यूजली कैंपस पर रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती थी, उसके बाद एक ऑनलाइन या रिटन टेस्ट होता था, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता था विच वॉज समटाइम्स ऑनलाइन वन वे इंटरव्यू या इन पर्सन इंटरव्यू होता था, उसके बाद आप असेसमेंट सेंटर के लिए क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद जाके आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। अब काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनका प्रोसेस यही था, या एक स्टेप काम था या कुछ के स्टेप्स ज़्यादा थे। जनरली क्राइटेरिया ये था, तकरीबन दिसंबर जनवरी जो टाइम था उसमें सही रिक्रूटमेंट ड्राइव्स ने अपना जोर पकड़ा था। खैर आई अप्लाई टू ऑलमोस्ट 16 कंपनीज, जिनमें से 13 के लिए आई क्वालिफाइड द इनिशियल राउंड्स, और 4 कंपनीज ऐसी थी जिनका मैंने फाइनल इंटरव्यू दिया था। अब ये नंबर जो मैंने आपको बताया है, ये उस सिचुएशन और उस वक्त की नज़ाकत का कुछ खास नक्शा बयान नहीं कर रहे। सो लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले इंग्रे फूड्स का इंटरव्यू आया, क्लियर द इनिशियल राउंड्स, इंटरव्यू दिया, नहीं क्लियर हुआ, अच्छा नहीं हुआ था, खाता क्लोज। फिर फातिमा फर्टिलाइजर वाले आए, टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, रिजेक्टेड। फिर ICAI वाले आए, उनके कुछ स्टेजेस क्लियर की, एक इंटरव्यू हुआ जो कि मेरा बहुत अच्छा हुआ था। सिमिलरली सेम वॉज द केस विद नेस्ले, आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नेस्ले, जस्ट बाय द वे इंटरव्यू काफ़ी बॉम्ब हुआ। खैर खाता क्लोज। अब क्योंकि ये टेस्ट और रिक्रूटमेंट ड्राइव्स वगैरह सारी मोर और लेस साइमल्टेनियसली चल रही थी, एंड सम कंपनीज वर रीचिंग आउट answering the results or some were not. कभी ये होता है कि if you qualify वो बता देते हैं, कभी ये होता है वो नहीं बताते, कभी ये होता है कि you don't qualify and you don't get notified. So it was a very frustrating period and exactly the same thing happened. I was getting frustrated, I was getting anxious or I was losing hope. ऐसे time में if you don't mend the way you think, it's really hard to move on, it's really hard to struggle honestly. फिर Unilever का फ्यूचर लीडर प्रोग्राम था, उसके लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू स्टेज पर पहुँच गया। अब इंटरव्यू जो था वो वन वे इंटरव्यू था, उसमें एक केस स्टडी थी, वो पढ़ते पढ़ते एक ग्लिच आया या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, एनी वेज आई गॉट कन्फ्यूज्ड और आई स्क्रूड इट अप। खैर आउट ऑफ द वे। उसके बाद नस वालों ने लाहौर में पहली बार जॉब फेयर रखवाया, हमें जैसे ही पता चला हमने कहा भाई नौकरी तो चाहिए, निकल पड़े हम लोग। मामा डोंट लाइक यू एंड शी लाइक्स एवरीवन। खैर हम सुबह से भाग रहे हैं, लिटरली सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं। वहाँ काफ़ी कंपनीज को वैसे तो इंटरव्यू दिए बट नथिंग सॉलिड। खैर वापस आते हैं तो स्टोरी ज़रा कुछ मज़े की होती है। खैर कैंपस पे 7 वेल्स का रिटन टेस्ट था, हमजा महर EME कॉलेज कैंपस से आया, उसने बताया टेस्ट है देने चलना है, मेरा चलो टेस्ट दिया, हम दोनों ने साथ दिया, उसका नहीं हुआ मेरा हो गया। खैर उसके बाद एक और असेसमेंट आई 7 वेल्स की ही जो कि कम्प्लीट करनी थी। मसला ये हुआ कि उस टाइम पीरियड में मेरा फाइनल डिफेंस चल रहा था, मतलब FIP जो मेरा प्रोजेक्ट था वो कम्प्लीट करना था। अब उसकी डेडलाइंस में हम इतने फंसे हुए थे कि बाकी में वर्स टाइम नहीं था कि वो असेसमेंट कंप्लीट कर सकूँ। खैर जिस दिन हमने हमारा फाइनल डिफेंस था उसी दिन शाम को हमने हमजा ग्रैड ट्रिप के लिए निकलना था। बेसिकली मेरी असेसमेंट रहेगी इस तरह से। खैर वो असेसमेंट तो रहेगी। जब वापस आया कुछ अर्से बाद मुझे खबर मिली कि दैट पर्टिकुलर कंपनी वॉज पेइंग इन 6 फिगर्स, एंड आई वॉज लाइक व्हाट हैव यू डन अफान।
वो पीरियड जो था ना, लाइक अफान क्या कर बैठे हो, क्योंकि जॉब थी नहीं उस वक्त तक। और खैर एनीवेज, जीएस का टेस्ट क्लियर किया, ऑनलाइन वन वे इंटरव्यू था, मैं लाहौर में था, अगले दिन कश्मीर की डे ट्रिप पे निकलना था, टाइम बिल्कुल नहीं था, बट कर लिया किसी तरह से कम्प्लीट अलहमदिल्ला। अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं किया वो भी। फिर नस वालों ने इस्लामाबाद कैंपस में एक और जॉब फेयर रखवाया। यही मौका है भाई। आप प्यार क्यों हैं? क्योंकि मैं लुटी गई यार। ओके। ओह माय गॉड, ऑल बॉयज रेडी फॉर। ओ ये देखो फिर क्या है, इसका हाथ देख। तलाश ए रोज़गार। शक्ल चेक कर। शक्ल यार, शक्ल चेक कर। मुझे गाल पिंक क्यों है? जब आप रोजगार की तलाश में होते हैं, आप ग्रेजुएट होते हैं तो कुछ ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है। द थिंग इज, जॉब फेयर जो है नास में, नास पहली बार कंडक्ट करा रहा है। कराची में नेक्स्ट वीक है, लाहौर में पिछले हफ्ते हो गया था। आई डिडंट मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट सिंस इट सीम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि नास में जॉब फेयर हो रहा है, या वी ऑल आर काइंड ऑफ लुकिंग फॉर जॉब्स। प्लस 119 कंपनीज कन्फर्म्ड आ रही हैं, ऊपर और कंपनीज ने भी आना है, नॉट श्योर कितनी आ रही हैं। इट्स गोना बी केओस बिकॉज जाहिर सी बात है, व्हेन यू कम इनटू द मेन कैंपस, अ लॉट ऑफ पीपल विल बी देयर। Everyone's getting kind of getting ready. A lot of people are wearing white today. Saad Ali, main aur kaun hai? Oh, aapne white nahi pehna hua. Gadesi is wearing white, Fayaz is wearing white, Mirza ka pata nahi, Anis is wearing white, but yeah. Kya main laundry mein apni shirt dene gaya tha, isliye kya main wapas lene gaya tha, literally white shirt padi thi sirf. I get it man, white is the universal color which is colorless. Deep path. गर्मी ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा गर्मी। What are your expectations? मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। Oh, that is how you can see that how much motivation we have for the job. Oh, let's see. Basically आप कह रहे हो, आप सूट पहनते हो तो आपकी मोटिवेशन लेवल whoop हो जाता है। गर्मी में 27 डिग्रीज में आप जब सूट पहनते हो तो उससे 27 डिग्री ऑल इतनी। अच्छा यार, मैं कहने जा रहा हूं कि we will have the best of the jobs जो भी वहां पे होंगे, ठीक है। और तुम 50,000 पे मिनिमम है हमारी। और हां, मजाक है। मिनिमम नोट्स यार देखो, मेरे पास ना, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब एंड दे आस्क यू हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग, अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा बताओ, ताकि वो अगर मतलब डोंट से 150 इज यार, मतलब मॉडरेटली जरा सा, मतलब कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है उस लिहाज से बताओ, बिकॉज लास्ट टाइम हुए थे कुछ लोग वर फाइन विद वट एवर यूर पेइंग प्राइस जो है, मतलब सैलरी जो है अपनी एक्सपेक्टेड कम बताते हो, और उन्होंने अपने लिए बजट जो रखा होता है ज़्यादा होता है। अब कहने में क्या ज्यादा से ज्यादा यार, मतलब ज्यादा ना नहीं, ज्यादा ज्यादा बोल दो तो वो कहते हैं मिस है ये बंदा, कुछ नहीं इतनी ज्यादा भी नहीं है, मतलब कि अब डिपेंड करते हैं ना। देयर आर सम इंडस्ट्रीज जो आपको ईएमई वाला जा रहा है, ज्यादा हो गया सर। नहीं यार, बोल रहा था लाहौर में जो जॉब फेयर हुआ था ना, बेसिकली कंसर्न वी हैड वाज एवरी कंपनी वाज लाइक हमारा अलग से टेस्ट होगा ऑनलाइन, सो यू अप्लाई फॉर दैट, तो वी वर लाइक फिर जॉब फेयर में आने का फायदा क्या है। सुनने में आ रहा है यहाँ पे भी मोर लेस यही सीन है, मैं तो कराची भी जा रहा हूँ पार्टी मारने, बेसिकली आई वॉन्ट टू गो एज वेल फॉर द कराची जॉब फेयर, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लैश आ रहा है एग्जाम्स का, और वो जो रीस्केड्यूल हो रहे हैं वो दे गेटिंग रीस्केड्यूल्ड इन आर ग्रैड ट्रिप वाला वीक, सो कांट मिस द ग्रैड ट्रिप। नौकरी नहीं मिली क्या करें, चौकरी तो मिलगी ना तुझे? नहीं नहीं वो भी नहीं मिलता है सर, जॉब चाहिए सर ने कहा है कि आपका पहले 91% था, फिर 83, फिर नस में आके 76, तो कंपनी में आके 60% हो जाएगा। यार देखो, इधर स्टार्टिंग से इसका मसला है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बैरिया में घर बनाए, इसमें इसका कोई कमाल नहीं अबू का 10 मिनट पहले के 10 मिनट पहले कॉल की मिला नहीं। अगेन काफ़ी कंपनीज को वहाँ पे इंटरव्यू दिए, चल रहा था, इट वॉज नथिंग वेरी सॉलिड, और बहुत कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। खैर आई गेव इंटरव्यू फॉर S&P ग्लोबल, और मेरा इंटरव्यू में उस बंदे ने, बहुत गंदा इंटरव्यू हुआ,
और इस पॉइंट पे आके आई हैड लॉस्ट होप. मैं बहुत सैड और फ्रस्ट्रेटेड बैठा हुआ था. जस्ट वॉन्टेड टू गो बैक टू माई रूम एंड गो टू स्लीप, बट देयर वर स्टिल कंपनीज आई वॉन्टेड टू गिव माई इंटरव्यू टू. आई वॉज नॉट हैविंग अ गुड डे. फिर उस वक्त मिशाल केम सॉ मी सिटिंग केम टू मी एंड रियली बक्ड मी अप. थैंक यू वेरी मच इफ यू वॉचिंग दिस मिशाल. रियली नीडेड दैट डे. बट देन अगेन ओवरऑल देन जो था वाजंट गोइंग रियली गुड. अब यूनिवर्सिटी खत्म होने में सिर्फ एक महीना रह गया था एंड आई स्टार्ट क्लियरिंग द राउंड्स फॉर शान फूड्स, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स and Engro fertilizer. मतलब big names और good scene. मैंने कहा fun, यही मौका है. टेंशन तो सारी सी बातें होती ही है ऐसे टाइम पे, बट ये कि अल्लाह पे यकीन था कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा. एक मजे की बात साथ बताते चलूँ, यूनिवर्सिटी का जो लास्ट डे था उस दिन हमने PNG का टेस्ट दिया था अपना. खैर यूनिवर्सिटी खत्म हुई, विद इन अ वीक कॉल आ गई शान फूड्स और इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स की फाइनल इंटरव्यू भी. गुड सीन. अब क्योंकि आई हैड इंटर्न्ड एट EPM लास्ट ईयर तो आई थॉट कि शायद प्रेफर करें मुझे. और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया पैनल के सामने तो HR पर्सन इंट्रोड्यूस मी टू द पैनल एज वेल. मतलब आई टुक इट एज प्लस पॉइंट्स. खैर इंटरव्यू अच्छा हो गया. शान फूड्स का भी ऑनलाइन इंटरव्यू था, अच्छा हो गया. मतलब आई वोंट से दीज वर द बेस्ट इंटरव्यूज आई हैव एवर गिवन, बट जनरली अच्छा हो गया. खैर अब क्योंकि यूनिवर्सिटी की बात करने का कुछ था नहीं तो वेटिंग सीम लाइक वेरी टीडियस थिंग टू डू. आहिस्ता आहिस्ता जाके पता चला कि शान फूड्स और EBM ने हायरिंग कर लिए. जिन दिन को रखना था उन्हें रख लिया. आई वॉज शैटर्ड. अब शान फूड्स का चलो समझ आता है, बट EBM वॉज वन कंपनी जो कि मैं अनकॉन्शियसली समझ रहा था या सोच रहा था कि मुझे रख लेंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आई हैड इंटर्न्ड देयर लास्ट ईयर. आई वॉज डेविस्टेटेड एट दिस पॉइंट. आई वॉज शैटर्ड. मीनवाइल आई गॉट अ कॉल फ्रॉम PepsiCo फॉर एन इंटर्नशिप एंड आई वेंट देयर. हाउ दैट हैपेंड एवरीथिंग इज लिंक्ड अप हियर. खैर एक वीकेंड में लाहौर ही था, मेरी फैमिली ऑल्सो केम टू लाहौर. उन्होंने मुझे मंडे को ऑफिस ड्रॉप किया एंड दे वेंट बैक टू इस्लामाबाद. रास्ते में ही थे अम्मी का मुझे मैसेज आया जो नर्स की प्लेसमेंट ऑफिस वाला फेसबुक पेज है उस पर एक जॉब आई हुई है. पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड एक कंपनी है हु आर लुकिंग फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज फॉर देयर इंजीनियरिंग डिवीजन. पहली बार कंपनी का नाम सुना था. एक तो मेरे अम्मी अब उसी दिन निकले थे और उसी वक्त जा रहे थे. एक तो मैं लेजी भी था प्लस कंपनी का नाम भी इतना कुछ खास नहीं पता था. अम्मी ने कहा देख लो. मेरे मैम मरियम जो कि नर्स प्लेसमेंट ऑफिस में थी उन्होंने फ़ोन किया. मैंने मैम का क्या सीन है, कंपनी कैसी है. मैंने कहा गुड सीन है, टेस्ट देने आ जाओ. खैर मैं रात को डेवो पे निकल पड़ा वापस. अगले दिन टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर कर लिया था तो उससे अगले दिन इंटरव्यू था. तो दो दिन करके वापस लाहौर चले गए. आफ्टर अ वीक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम Engro फॉर द फाइनल इंटरव्यू. आई वाज लाइक गुड सीन. सामान मैंने अपना सारा निकाल के एक रात पहले मैंने कहा ऑफिस जाऊँगा PepsiCo, वापस आऊँगा, सामान पकूँगा, निकल जाऊँगा. अब मेरा जो सूट वगैरह था वो मैंने हैंगर में रखा हुआ था और निकलते हुए मैं अपना बैग पकड़े हैंगर पकड़ना भूल गया. मैं जैसे ही डेवू में अपना बैठा हूँ मेरे साथ एक बंदा आया, उसने अपना कोट रखा है. मैंने कहा मेरा कोट कहाँ है. अगले दिन मेरा इंटरव्यू था. मैं क्या करता, मैं वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि आई वॉज रियली फार अवे फ्रॉम होम. और खैर एनीवेज मैंने अहमद को फ़ोन किया और हैदर. थैंक यू वेरी मच अहमद एंड हैदर. इफ इट वर्न फॉर यू इट वुडन हैव बीन पॉसिबल बिकॉज मैं सारे घर वाले सूट जो थे लाहौर लेके गया बस. खैर उनने किसी तरह से फारी काट के डेबू के थ्रू भिजवाया, मुझे सारा कोट मिल गया, मैं पहन के गया. अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया. आई वाज श्योर कि कुछ ना कुछ हो जाएगा. कुछ इंटरव्यूज होते हैं ना जिनके बारे में यू कांट रियली से कि अच्छे हुए हैं बट वो अच्छे हुए होते हैं. नो दिस वॉज द इंटरव्यू. आई वॉज श्योर कि मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ. जाहिर सी बात है आगे जा स्टोरी के हिसाब से बताऊंगा ना आगे क्या होता है, वेट करें थोड़ा सा. उससे नेक्स्ट वीक पाकिस्तान ऑक्सीजन का फाइनल इंटरव्यू था जिसके लिए मैं आया. आई वॉज टोल्ड के पाकिस्तान ऑक्सीजन हैड टू हायर 3 पीपल जिनमें से 2 मैकेनिकल इंजीनियर्स थे और 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था. तो सीन ज़रा टफ लग रहा था. खैर इंटरव्यू अच्छा हो गया. मेरी इंटर्नशिप वहाँ ख़त्म होगी. मैं कुछ अर्सा वहाँ लाहौर ही रुका हुआ था बिकॉज मेरे मामू आए हुए थे. खैर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टेट्रा पार्क के इंटरव्यू है. इंटरव्यू देने गया एंड आई ब्लैक्ड आउट. हॉरेबल जिंदगी का बको वास तरीन इंटरव्यू दिया वहाँ पर. जाहिर सी बात है नहीं होना तो नहीं हुआ. खैर मैं वापस आ गया और अभी तक पाइपलाइन में हमारे पास सिर्फ Engro फर्टिलाइजर्स है और पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड है. Engro वाले जो थे वो रिजल्ट अनाउंस करना डिले कर रहे थे बार बार. खैर कुछ अर्से बाद पता चला कि दे हैड हायर्ड 10 पीपल आउट ऑफ विच 6 वर फीमेल्स. अच्छी बात है, होना चाहिए. बट आई रेफर्ड बैक टू द इनिशियल लिस्ट इस्लामाबाद की इंटरव्यू वाले जो लिस्ट थी जिनमें बाकियों के भी नाम थे. आई ओनली कुड स्पॉट 3-5 फीमेल्स इन दैट लिस्ट. यहाँ पर मुझे गड़बड़ लगी. दे ऑल्सो डिड अनदर थिंग विच आई वोंट बी टेलिंग. खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दे वर रियली ऑन दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी बैंड वैगन. इन शॉर्ट लड़कियों की सीट्स ज़्यादा थी, हायरिंग होगी
मैं तो टूट गया था उस वक्त बिकॉज मेरा इंटरव्यू बाकी में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था. वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एज ऑफ टुडे आई स्टिल स्ट्रांगली फील द सेम वे बिकॉज आई मैनेज टू इम्प्रेस द पैनल इन अ वे दैट एचआर वाला बंदा आफ्टर द इंटरव्यू केम टू मी एंड अपडेटेड माई प्रेफरेंसेज इन अ वे दैट जो एंग्रो फर्टिलाइजर टॉप पे हो और एंग्रो पॉलीमर और केमिकल जो है वो नीचे हो. मैंने पहले उल्टी कर दी थी. इट वॉज अ वेरी टफ टाइम ऑनेस्टली. फिर कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ऑक्सीजन का भी पता चला कि उनने तीन लोगों को कॉल कर ली विनस में. तो जाहिर सी बात है तीन का कोटा था, तीन कंप्लीट हो गई, कहानी मुक गई. होपलेस क्लूलेस सैड. खैर लॉरियल की कुछ दिनों बाद कॉल आई कि इंटरव्यू है. इंटरव्यू दिया. मैंने कहा भाई यही सीन है, करना है तो करना है वरना फर्क नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. फिर अल्हम्दुलिल्लाह सर 19 September 2019 को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्सीजन. आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन सेल्स एंड आई वाज टू बी इंटरव्यूड बाय द हेड ऑफ सेल्स दैट फॉलोइंग डे. अब मैंने सोचा यार सेल्स है, सेल्स इज नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू डू. बट मैंने ये भी सोचा यार मैनेजमेंट ट्रेनी है तो शिफ्ट हो जाएगा. प्लस रावलपिंडी में ऑफिस है जहाँ पे मुझे प्लेस कर रहे हैं तो मतलब गुड सीन. आई थिंक आई शुड गो फॉर इट. खैर आई सेड यस. द नेक्स्ट डे आई हैड माई इंटरव्यू एंड उसके बाद आई थिंक मैंने बहुत बोल लिया. इट्स टाइम टू सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर दिस. Interestingly, this is the first time I'm flying so late. Started at 9 o'clock. Oh, one more thing. The last time I went to Karachi, L'Oreal Brandstorm ke liye gaye hue the, aur Ohan aur Maruf mere saath the. If you haven't seen that video, yahan pe I'll link it up here somewhere. खैर फ्लाइट से बाहर निकला तो एक बंदा मेरा नाम लेके खड़ा हुआ था. गाड़ी में बैठा, होटल पहुंचा. सो अनफॉर्चुनेटली एक मसला हो गया. 3:30 एयरपोर्ट पर बैठे हुए और हमारी फ्लाइट 7:00 एंड इट्स नॉट एन इंटरनेशनल फ्लाइट. और हाँ कराची में बारिश हो गई हुई है सो वी कांट रियली टेक द रेस्ट टू गो समवेयर. खैर अल्हम्दुलिल्लाह से इट हैज़ बीन 5 months सिंस आई हैव बीन वर्किंग विद द कंपनी एंड एज वी स्पीक आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू टेक्निकल ऑपरेशंस द फील्ड आई हैव बीन वांटिंग टू जॉइन. आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन हियर दैट आई आल्सो गॉट इंटरव्यूड बाय
PNG and British American Tobacco during the same time period. Unfortunately, nothing solid from that side. However, ये सब आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि नौकरी सबके उसी को मिल जाती है. कुछ को जल्दी मिलती है, कुछ बाद में मिलती है, कुछ को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ को कम करनी पड़ती है. In short, it is very important कि आप बड़ों की दुआएं लेते रहें और साथ साथ do not lose hope or keep on trying. I will talk about this and my experience working in Pakistan Oxygen, working in sales department, a department I did not initially want to work in the next and upcoming videos, क्योंकि ये video बहुत लंबी हो गया. Thank you so much for the love and support in the last two videos. बाकी मैं आप लोगों के comments और support और इस तरह की चीज़ें देख के ना बहुत खुशी होती है. As for the people who might come up and say कि यार इतने देर बाद क्यों बता रहे हो कि तुम्हें job मिल चुकी है and you've been pretending कि क्या सीन है. वेल द पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम नो के आई एम डूइंग अ जॉब. आई कॉन्स्टेंटली कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट माई जॉब देयर. या सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड. एनी वेज, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो. इट रियली हेल्प्स माई वीडियोज परफॉर्म बेटर ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. इंजीनियरिंग की है कहता नौकरी करनी है. आलू गोश्त है और आलू गोश्त.